Hey my loves, welcome back to my channel. I hope you all doing well. So today we are reviewing Juicy Chemistry products. I have here 1, 2, 3, 4, 5 products. इसमें से मैंने 3 use किए हैं, 2 मैंने use नहीं किए हैं. So I'm gonna review 3 products today and rest 2 will review later जब मैं इनको try कर लूँगी. So without wasting a minute, let's get started. And if you haven't subscribed to my channel, please take a moment to hit on that red subscribe button down below and hit on the notification bell as well so you never miss any of my videos. And if you're not following me on Instagram, then come and follow me there to stay updated for upcoming videos. And now without wasting a minute, let's get started. Guys, let me tell you mere paas kaun kaun se products hain. One I have there this 100% organic Bulgarian rose water, and you can see ye half se zyada use ho chuka hai because I was using these products since last 1 month. And the second product I have here this Damask Rose and Fig Organic Lip Balm. And second, of course, on a heavy demand, this is the Blood Orange and Rosehip Organic Lip Balm. And fourth I have their Damask Rose and Coffee Organic Eye Cream. And fifth is this 100% organic Kakadu Plum and Pomegranate Facial Oil. So ये मैंने अभी use नहीं किया है, ना ही मैंने इनका ये rose वाला lip balm use किया है, because मैं पहले ये blood orange वाला use कर रही थी, because I heard कि ये pigmentation पे काम करता है, so I was experimenting with this only. तो मैंने पूरे 1 month के लिए इसी को 2 times use किया है, otherwise मेरा मन तो बहुत कर रहा कि rose वाला एक बार खोल के smell करूँ, but then मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला. मैंने कहा चलो पहले ये एक बार ट्राई करते हैं, वंस इट्स डन देन आई एम गोना स्टार्ट दिस वन. सो इसका एंड इस फेशियल ऑयल का रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी. आज हम सिर्फ इन 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे. स्टार्ट विद द रोज वाटर फर्स्ट. सो दिस इज दी 100% ऑर्गेनिक बल्गेरियन रोज वाटर. इट्स अ टोनिंग मिस्ट. इट्स फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप एंड देयर इज नो एल्कोहल, नो प्रिजर्वेटिव, देयर इज नो आर्टिफिशियल कलर एंड एसेंशियल ऑयल्स एडेड इन दिस वन. एंड दिस से दैट दिस गोना हेल्प इन बैलेंसिंग योर पीएच, जो बेसिकली रोज वाटर का काम होता है. एंड व्हाट दे से इज कि इनके जो ये प्रोडक्ट्स हैं ना, दे आर क्रुएल्टी फ्री, वेगन, जीएमओ फ्री एंड दे आर कॉस्मोक ऑर्गेनिक, लाइक इको सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं दे ऑल ऑफ देम. एंड इसके अंदर जो इन्होंने यूज किया है दैट इज रोज डेमासेंसा, रोज डिस्टिल्ड, रोज एल्वा वाइट रोज डिस्टिलेट. लाइक इसके अंदर सिर्फ रोज ही डाला हुआ है, उसके अलावा और कोई इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं है. एंड दिस से इट्स 100% ऑफ द टोटल इंग्रेडिएंट्स आर फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग, हैंडमेड. एंड जो इन्होंने इसमें ये रोजेज़ यूज़ किए हैं ना गाइज, ये बल्गेरियन रोजेज हैं, नॉट फ्रॉम कनौज, जो कि बल्गेरियन रोजेज जैसे स्मेल करते हैं, बट इसके अंदर इन्होंने बल्गेरिया के ही रोजेज यूज़ किए हैं. बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज आस्किंग देम कि ये कब स्टॉक में आएगा, देन दे वर लाइक कि यू नो अभी हमारी सप्लाई आ रही है, सो कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है. सो आई थिंक दे गेट दीज इधर द रोजेज दे गेट फ्रॉम बल्गेरिया, और जो इनका ये प्रोसेस है ये वहाँ पे होता है, एंड देन दे गेट द रोज वाटर्स फ्रॉम देयर. यस, आई वाज यूजिंग दिस वन एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका जो फ्रेग्रेंस है दैट इज़ वेरी वेरी माइल्ड, बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं है. लाइक इससे पहले आपको पता है मैंने कौन कौन से रोज़ वाटर्स यूज़ किए हैं और कौन से मेरे फेवरेट्स हैं. आई बिन लविंग द फॉरेस्ट एसेंशियल्स कामा आयुर्वेदा, एंड फॉरेस्ट एसेंशियल के कंपैरेटिवली मेरे को कामा का ज़्यादा अच्छा लगता था, बिकॉज उसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही सटल है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट एसेंशियल्स. बट जब मैं अभी पिछले महीनों 1 month से इसको यूज़ कर रही हूँ डे एंड नाइट, लाइक डेली मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, एंड एक बार बीच में मैंने 2-3 दिन पहले ना एक बार मैंने वैसे ही कामा का जब स्प्रे किया, ओ माय गॉड यू वोंट बिलीव, लाइक मेरे को उसका स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगा. और मे बी आई वॉज यूजिंग फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स सिंस लास्ट 1 month, दैट्स वाई एकदम से मुझे वो ज़्यादा लगा. बट गाइज
दिस हैज़ अ वेरी वेरी सटल फ्रेग्रेंस, एक्सेप्ट जो मैंने आज तक रोज़ वाटर यूज़ किए हैं. लेकिन इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि मैं पानी लगा रही हूँ यार, इसमें रोज़ वाली तो फ्रेग्रेंस आ ही नहीं रही है. बट देन आई हैव रियलाइज कि जब हम कभी, मैंने एक दो बार घर पे भी रोज़ वाटर का जो अर्क निकाला था, जैसे जो घर पे निकालते हैं रोज़ वाटर, तो उसमें से भी उतना ज़्यादा रोज़ का फ्रेग्रेंस नहीं आता है. लाइक हल्का पानी पानी लगता है एंड बहुत हल्का माइल्ड सा रोज़ का फ्रेग्रेंस आता है. देन आई वॉज लाइक कि मे बी दिस इज़ द बेस्ट वन आउट देयर इन द मार्केट, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सटल फ्रेग्रेंस है. लाइक अगर आप ऐसे कामा लगाओगे या फॉरेस्ट लगाओगे एंड देन उसके बाद इसको लगाओगे, तो आपको लगेगा कि यार ये तो पानी जैसा लग रहा है, रोज़ वाटर का है. बट व्हेन यू गोना यूज़ इट कंसिस्टेंटली फॉर वन मंथ, देन वन मंथ के बाद अगर आप दूसरे वाले पे स्विच करोगे ना, तो आपको उसका फ्रेग्रेंस ओवर पारिंग लगने लग जाएगा. सो या आई काइंड ऑफ लाइक इट, आई जस्ट लव दिस वन एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर रिक्वेस्ट कि हाँ इसको रिव्यू करो, इसको रिव्यू करो. एंड एक्चुअली मैं इसको खुद से भी यू नो लेना चाहती थी काफ़ी टाइम से, बिकॉज मुझे पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी इसकी. एंड आई एम डेफिनेटली गोना रीपर्चेज दिस वन. बट येस, आई डू हैव अ लॉट ऑफ अदर रोज़ वाटर ऑल भी ब्रांड्स के मेरे माइंड में है, जो मैं ट्राई करूँगी. बट फॉर दिस आई कैन से यू कैन गो फॉर दिस वन आँखें बंद करके. आई नो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आई डू बिलीव यू नो जो ये ऑथेंटिक रोज़ वाटर्स होते हैं, जिसमें और कोई चीज़ नहीं डली होती है, कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं डली होती है. सो इट्स प्योर प्योर रोज़ वाटर, इट्स स्टीम डिस्टिल्ड, इट्स प्योर रोज़ वाटर. एंड ऑफकोर्स जैसे मैं डेमो हर बार करके दिखाती हूँ, सो एंड सबसे बेस्ट चीज़ इसकी वही है, स्मेल नहीं आता है एंड बिल्कुल आइस को इरिटेट नहीं करता है, जो कि बेस्ट वे होता है रोज़ वाटर को टेस्ट करने का. एंड आई जस्ट लव दिस वन, इट रिफ्रेशिज यू एंड इट गिव यू वेरी वेरी माइल्ड एंड सटल फ्रेग्रेंस एज कम्पेयर टू दोज अदर रोज़ वाटर जो मैंने अभी तक ट्राई किए हैं. एंड आई जस्ट लव दिस रोज़ वाटर. एंड यू कैन सी ये इस तरह की बहुत ही स्टर्डी सी पैकेजिंग में आता है, विच इज़ परफेक्ट. एंड अगेन हाउ आई फॉरगेट द पैकेजिंग, ओ गाइज, दिस इज ग्लास बॉटल, दिस इज़ ग्लास बॉटल, देयर इज़ पम्प ओवर द टॉप. एंड आई जस्ट लव द पैकेजिंग एंड आई लव द प्रोडक्ट ओवरऑल. सेकेंड प्रोडक्ट आई हैव हेयर, दिस Damask Rose and Coffee Organic Eye Cream. बहुत ही छोटू सी है ये, 5 ग्राम की क्वांटिटी है. जब मैंने इसको लिया था, आई वॉज लाइक कि यार ये कहाँ मेरा महीना चल पाएगा, ये तो मुश्किल से मेरी 15 दिन चलेगी. बट नो गाइज, दिस हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट इन साइड, बिकॉज ये आपका बहुत कम लगता है. एंड अभी ये मेरी हाफ से थोड़ी सी नीचे गई है, अभी भी ये मेरा आई थिंक आराम से 1 मंथ और निकाल देगी, बिकॉज इट्स वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट एज ऑयली, लाइक बहुत कम इसका क्वांटिटी लगता है, ये बहुत थोड़ी सी लगती है. बहुत आराम से आपके पूरे आईज अंडर आईज को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है. इट्स अ रियली रियली मॉइस्चराइजिंग आई क्रीम गाइज. एंड इसके इंग्रेडिएंट्स अगर मैं एक बार आपको बताऊं तो बहुत छोटे छोटे से हैं. स्टिल इसके अंदर देखिए, शिया बटर है, इट हैज़ कोकोआ सीड बटर, कैफीन इन्फ्यूज्ड ऑयल, इट हैज़ वीज वैक्स, ग्रेप सीड ऑयल, देन इट हैज़ चिया सीड, इट हैज़ हेम्प सीड, इट हैज़ एवोकाडो ऑयल, इट हैज़ सनफ्लावर सीड ऑयल, इट हैज़ वाइटमिन ई लेवेंडर ऑयल, देन इट हैज़ क्रेनेमियम ऑयल, देन इट हैज़ सैंडलवुड ऑयल एंड फिग सीड ऑयल एंड रोज फ्लावर ऑयल. So you can see it's a blend of oil and butters, that's why it's very very moisturizing. And I just love this one, how it moisturizes your under eyes, like बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी लगती है एंड बहुत अच्छे से आपके अंडर आइज को यू नो मॉइस्चराइज कर देती है. एंड बाय दिस होल मंथ देखो, इट डू क्लेम फॉर डार्क सर्कल रिडक्शन एंड फाइन लाइन्स. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, डार्क सर्कल्स का मुझे एज सच दिखा नहीं कि हाँ एकदम से ब्राइटनेस तो नहीं आई, ना ही मेरे को फाइन लाइन्स मिनिमाइज लगी, बट इट डू मेक दिस अंडर आइज वेरी वेरी स्मूद एंड सॉफ्ट गाइज. अब जब मैं इसको यहाँ पे अपने इस एरिया पे यू नो जब मैं इसे अपनी फिंगर चलाती हूँ ना, तो इट फील्स सो सो सॉफ्ट एंड स्मूद. सो डेफिनेटली देखो, फाइन लाइन्स एक ऐसी चीज़ है जो एकदम से तो देखो ठीक नहीं होता है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड कम से कम 4-5 महीने आप कोई एक प्रोडक्ट यूज़ करते हो तब आपको रिडक्शन नज़र आती है फाइन लाइन में, बिकॉज ये तो एक यू नो डिफॉर्मिटी हो जाती है जिसको थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने के लिए. बट येस, आई कैन अश्योर दिस वन कि जो इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट है ना एंड जिस तरह की कंसिस्टेंसी है
और जैसे मुझे अपना स्किन स्मूथ लगता है, आई डू फील कि यहाँ के जो मेरे ये जो जब मैं स्माइल करती थी ना तो ये जो लाइन्स थी वो यहाँ तक आती थी जो अब यहाँ तक हो गई हैं। सो डेफिनेटली आई वुड से थोड़ी सी हल्की सी फाइन लाइन मिनिमाइज तो ज़रूर हुई हैं, बट स्टिल आई एम गोना गिव दिस मोर टाइम ये फिनिश करके, देन आई थिंक आई एम गोना रीपरचेज इट अगेन एंड देन आई एम गोना सी कि हाँ ये रिडक्शन करता है फाइन लाइन्स भी या नहीं। बट येस, इफ़ यू आर फेसिंग द एक्सट्रीम ड्राई अंडर आइज का सिचुएशन, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। इट्स अ रियली रियली मॉइस्चराइजिंग आई क्रीम एंड आई जस्ट लव दिस वन। द थर्ड प्रोडक्ट वी हैव इज द हीरो प्रोडक्ट, दिस इज द ब्लड ऑरेंज एंड रोजिप ऑर्गेनिक लिप बाम। नाउ दिस वन इज फॉर पिगमेंटेड लिप्स, सो मैंने भी इसको इसलिए ट्राई किया बिकॉज मेरे यहाँ पे ना लिप्स के इधर नीचे का जो लाइन एरिया होता है ना वो डार्क हो गया, जैसे दिस लाइन एरिया लिटिल बिट डार्कर देन माई सेंटर वाला लिप। सो दैट्स वाई मेरे को था कि मैं चेक करती हूँ कि सच में पिगमेंटेशन को ये रिमूव करता है या नहीं, बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड कमेंट्स ऑन दिस वन कि बहुत से लोग बहुत से यूट्यूबर्स रेव कर रहे थे कि पिगमेंटेशन को रिमूव कर देता है। एंड आई थिंक वन ऑफ यू हु आर देयर कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम, आप में से एक ने मुझे बोला था जिसने यूज़ किया एंड आप पे ये बहुत अच्छे से वर्क किया है आई नो, बट फॉर मी इट डजेंट वर्क बिकॉज इट्स बीन अ मंथ और इस वन मंथ में मैं इसको कम से कम दिन में दो बार लगाती हूँ। कैन यू सी दिस, ये बिल्कुल नीचे टच कर चुका है, बहुत थोड़ा सा ये बचा है। मैं इसका काफ़ी थिक क्वांटिटी लगाती हूँ, दिन में दो बार या तीन चार बार भी हो जाता है, बट मॉर्निंग स्किन केयर और नाइट स्किन केयर में अच्छी थिक लेयर में इसकी लगाती हूँ। स्टिल इट डजेंट वर्क ऑन माई पिगमेंटेड लिप्स, सो आई कॉन्ट रियली से मच अबाउट दिस वन। बट येस, इसके जो इन्ग्रीडियंट्स हैं उसमें एप्रिकॉट कर्नल ऑयल है, देयर इज़ कैस्टर ऑयल, देयर इज़ वीट वैक्स, रोज़ हिप, होबा ऑयल, ऑरेंज ऑयल, कोकोआ बटर एंड रास्पबेरी एंड वाइटामिन ई। एंड इसका जो फ्रेगरेंस है ना, दैट डू कम लाइक वो जो ऑरेंज का जो पील होता है ना उसके जैसा इसका स्मेल है, विच आई एम नॉट फैन ऑफ बिकॉज आई एम नॉट अ फैन ऑफ ऑरेंजेस, आई हेट ऑरेंजेस, बट स्टिल यू नो मेरे को इसको पूरा दिन इनहेल करना पड़ता है स्मेल को, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये शायद मेरी पिगमेंटेशन को रिमूव करता, बट इसने नहीं की, थोड़ी बहुत लाइट करता, लाइक वन मंथ का टाइम काफ़ी होता है, डे एंड नाइट यूज़ करते हो तो हल्का भी तो होता पिगमेंटेशन, तो थोड़ा भी हल्का मुझे नहीं फील हुआ। एंड मॉइस्चराइजिंग ये बिल्कुल भी नहीं है, आई थिंक मॉइस्चराइजेशन के लिए है भी नहीं, ड्राई चैपी लिप्स के लिए दूसरा वाला है जो रोज़ वाला है, बट दिस वन स्पेशली फॉर पिगमेंटेशन, तो मुझे एज सच कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ अपनी पिगमेंटेशन पे। सो आई वुड से जो हाइप है दैट्स नॉट वर्थ, बट इट डजेंट वर्क फॉर मी, बट येस आई हर्ड लाइक इट वर्क वंडरफुली फॉर अदर पीपल एज वेल। सो इफ़ यू वॉन्टेड टू गो फॉर दिस वन यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई, बट मेरी पिगमेंटेड लिप्स पर ये काम नहीं किया, स्टिल देर इज हाफ इज लेफ्ट, सो एम गोना यूज़ इट एंड अगर ये सच में कुछ काम करेगा सो डेफिनेटली आई एम गोना गिव यू अपडेटेड रिव्यू ऑन दिस वन, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड फॉर दिस वीडियो आई वुड से if you expecting this to work on pigmentation, it doesn't work on pigmentation, but yes ye kisi pe to kaam kiya hai, so या जिस पे भी काम किया है नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपने कैसे इसको यूज़ किया एंड इसने कैसे आपको रिजल्ट्स दिए। सो डू शेयर दैट एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। एंड या दैट वॉज माई लास्ट प्रोडक्ट एंड रेस्ट जो दो प्रोडक्ट हैं उनको मैं भी ट्राई करूँगी एंड देन आई एम गोना लेट यू नो कि वो कैसे हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड आई होप आपको आज की इस वीडियो से हेल्प मिली है, देन मेक श्योर आप लाइक कर दें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।